तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो गाइस। तो आज हम बात करने वाले गाइस एक न्यू कोरियन ड्रामे के बारे में, जिसका नाम है गाइस रेडिएंट ऑफिस, जो कि हिंदी डब के साथ में गाइस आ चुकी गाइस अमेजन इम्यूनिटी पर गाइस एक हफ्ते पहले आ चुकी है। गाइस मेरे को कुछ ज़्यादा बिजी चल रहा था, इसलिए मैं इसका रिव्यू नहीं कर पाया। तो गाइस मैंने इस ड्रामे को पूरा वॉच कर लिया है। जैसे वॉच कर रहा था गाइस, मेरे को मालूम पड़ा ये जो ड्रामा है पब्लिक को लोग बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और पब्लिक बहुत ज़्यादा देख रही है। तो गाइस जिसने नहीं देखा था गाइस इस ड्रामे को जाके वॉच कर सकते हो। गाइस पहले गाइस बात करते गाइस इसके स्टोरी के बारे में, तब आपको पता चलेगा कि आपको इसमें एग्जैक्टली देखने को क्या मिलता है। बात करें गाइस इसके एपिसोड के बारे में, तो एपिसोड गाइस आपको इसमें देखने मिलता है 16, और जो कि ड्यूरेशन होता है एक घंटे के हिसाब से हर एपिसोड आप देख सकते हो। तो स्टोरी में गाइस देखने को मिलता है इन्हो नाम की एक लड़की रहती है, जहाँ गाइस वो अभी तक उसके पास जॉब नहीं रहता है, और वो मतलब उसके लाइफ में बहुत ऐसी घटना घटती थी जहाँ गाइस वो सबको नज़रअंदाज करके वो एक इंटरव्यू दे रही थी एक बड़ी कंपनी में। उस बड़ी कंपनी में एक मैनेजर रहता है जिसका नाम रहता है COO, जो कि बहुत खड़ूस रहता है। जहाँ गाइस इन्हो रहती है वहाँ पे वो इंटरव्यू देती है, जहाँ पर सीईओ रहता है वो उसको मतलब कि रिजेक्ट कर देता है। जहाँ पर उसके लाइफ में और परेशानी बढ़ जाती है, जहाँ पर वो अपना रेंट नहीं दे पाती है, जहाँ पर उसी वक्त उसको मालूम पड़ जाती है कि उसको एक बीमारी है और जिंदा नहीं रह पाएगी। लेकिन वो कुछ गलत रहता है, कुछ गलत फहमी रहता है, उसकी वजह से उसको लगता है कि मतलब कि मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। जहाँ पर वो मतलब प्रयास करती है कि मैं कैसे भी अपना जॉब करूँ और अपने मतलब कि जो भी अपना पेरेंट्स का जो भी लाइफ रहता है वो अच्छी तरह का वो कर पाए, क्योंकि एक लौती है अपने पना में रहती है जो कि कमाने वाले रहती है। लेकिन वो कुछ भी अपने परिवार की मदद नहीं कर पाती है। वही प्रकार जो कि सीईओ रहता है वो भी मतलब अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा रहता है, जहाँ पर वो बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट वो मतलब कि एक मतलब कि मैनेजर रहता है उस कंपनी में, जहाँ पर वो हर एक बुराई मतलब सहना नहीं चाहता है और उस कंपनी में वो हर चीज़ अच्छा चाहते रहता है। लेकिन वो मतलब कि बार बार इन्हों को मतलब कि बेइज्जती करते रहता है। लेकिन वो तब उसको एहसास होता है कि मतलब कि इन्हों बहुत अच्छी खासी लड़की है, तब जाके इन दोनों के बीच में बस आपको फीलिंग देखने मिलता है, जहाँ पर जो कि इन्हों उसको पसंद करने लग जाती है अपना सीईओ को, और सीईओ भी मतलब कि अपना इन्हों को पसंद करने लग जाता है। जहाँ पर आपको और भी लव ट्राइंगल ऐसा आपको देखने मिलता है, जहाँ पर इस कंपनी का जो कि डायरेक्टर नया होने वाला रहता है वो मतलब कि जो इन्हों को थोड़ा हल्का फुल्का पसंद करते रहता है। लेकिन जो कि इन्हों रहती है वो मतलब कि पसंद करती रहती है हमारे सीईओ को, तो गाइस इन लोगों के बीच में कैसा मतलब कि फीलिंग आ जाता है और मतलब कि सीईओ मतलब कितना उसको डांट देता है, मतलब क्या इन लोगों के बीच में सब अंडरस्टैंडिंग होती है और मतलब कि उसको क्या जॉब मिल पाती है, क्या परमानेंट वो जॉब में रह पाती है और कितना वो आगे जा सकती है, और मतलब कि सीईओ का क्या होने वाला है, उसके लाइफ में ऐसी क्या घटना घटती रहती है कि मतलब वो इतना ज़्यादा मतलब बुरा व्यवहार करता है इन्हों को। ये बहुत अच्छा खासा डिलकस ये रोमांस ड्रामा का, आप इस ड्रामे को अच्छी तरह वॉच कर सकते हो। बहुत अच्छा खासा ड्रामा है। मैंने जो कि इसमें जो कि मेन लीड रोल है गाइस जो हीरो है, मेरे को इसका ड्रामा बहुत ज़्यादा मज़ा आता है गाइस देखने में। मेरे को सच सच बोला इसका मैं ड्रामा देखते बहुत ज़्यादा मेरे को मज़ा आता है। तो गाइस इस ड्रामा को जाइए गाइस वॉच कीजिए, बहुत अच्छा खासा ड्रामा गाइस। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस ड्रामा को वॉच कर सकते हो गाइस अमेज़न इमीडिएट गाइस, इसलिए गाइस ये ड्रामा नंबर 1 पे ट्रेंड भी कर रहा है गाइस। तो गाइस जाइएगा इस ड्रामे को वॉच कीजिए। तो ये था गाइस आज के लिए मेरा रिव्यू। होप यू गाइस आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आएगा। रिव्यू पसंद आएगा तो गाइस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइस ऐसे लेटेस्ट ड्रामा का रिव्यू करते हुए।